नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिसाल जुल स्वागत करता हूं आपके अपने हिस्ट्री चैनल बी ऑनलाइन क्लासेस में। हमने एंशियंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट बनाया था, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन दिए थे टोटल, और उसमें से मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। मतलब आपके पास ऑप्शन भी थे कि कौन से करने हैं, यही नहीं 10 में से हमारे कुल 5 आए थे, 8 से 9 क्वेश्चन तक लगभग आए थे। 7-8 क्वेश्चन तो सेम आए थे, बाकी 2-3 थोड़ा सा घूमा था क्वेश्चन, जो थोड़ा सा भी ज़्यादा अध्ययन किए होंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझे होंगे और आराम से लिख लिए होंगे। तो इसी क्रम में लोगों का कमेंट आया था, कुछ को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए थे, इंस्टा पे मैसेज आए थे कि पॉलिटिकल साइंस का सर इंपॉर्टेंट बनाइए, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट बनाइए। तो आज हम इसी सीरीज में पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम सेकंड पेपर का इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो है राजनीति शास्त्र की परिभाषा बताइए। इसमें आप 2-3 विद्वानों की परिभाषाएं लिख लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बना लेंगे तथा अन्य विषयों के संबंध में प्रकाश डालिए, जैसे कि इतिहास से संबंध, दर्शन से संबंध, विज्ञान से संबंध, अर्थशास्त्र से संबंध, इत्यादि चीज़ों को आप अध्ययन कर लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, राजनीति शास्त्र के अध्ययन संबंधी उपागम तथा इसके अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए, जैसे परंपरागत उपागम और जो महत्वपूर्ण उपागम है आप उनका अध्ययन करेंगे, तथा इसका अध्ययन क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या इसका महत्व है, इस चीज़ को आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा, राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, राज्य की दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से राज्य के, राज्य में हमें आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या करनी है तथा दैवी सिद्धांत की व्याख्या करनी है, तथा राज्य की गांधीवादी संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो जो गांधी जी की संकल्पना थी राज्य को लेकर, उसके विषय में भी हमें विस्तृत अध्ययन करना है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें तीनों में जो ये इतना क्षेत्र है, इनमें से आपका एक क्वेश्चन 100% श्योर है आने के लिए। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 6, संप्रभुता का विस्तृत अध्ययन कीजिए, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया संप्रभुता का विस्तृत अध्ययन कीजिए। मतलब संप्रभुता का आपका 1 से लेकर 0 तक पूरा अध्ययन करना है, कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ना है। उसमें तीन महत्वपूर्ण है, जैसे बहुलवादी अवक्षेप, ऑस्टिन का सिद्धांत, अवधारणा एवं लक्षण। जितना संप्रभुता आप पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आपका श्योर है 100% आने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, समानता को परिभाषित कीजिए तथा समानता एवं स्वतंत्रता में अंतर बताइए। समानता का इंट्रोडक्शन 4-5 विद्वानों द्वारा दी गई समानता को लेकर परिभाषा है, कुछ अपना मत, तथा समानता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है, इसकी आपको विस्तृत व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, न्याय की अवधारणा एवं प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फांसीवाद की विचारधारा और विकासवादी समाज के मूल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फांसीवाद की विचारधारा तथा विकासवादी समाज के मूल सिद्धांत, जो फांसीवाद जो विचारधारा थी समाज को लेकर, तथा विकासवादी मूल सिद्धांत, इन दोनों का विस्तृत अध्ययन करना है आपको। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, उदार लोकतंत्र की मूलभूत विषमताओं को परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, मार्क्सवादी समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मार्क्सवादी समाज, मार्क्स ने समाज के विषय में क्या सिद्धांत दिए थे, क्या महत्वपूर्ण उसमें तथ्य थे, आप चीज़ों का अध्ययन करना है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता दूं कि आप अपना मत लिखना, हर क्वेश्चन में हो सके तो आप अपना मत अवश्य लिखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्क डालता है आपके क्वेश्चन पर। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से सेकंड पेपर स्टार्ट होता है, इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें हमने यूनिट वाइज डिवाइड किया है, तो यूनिट फर्स्ट से हमारा जो 3 क्वेश्चन है, अभी समय से आप क्या समझते हैं, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में उनके महत्व की विवेचना कीजिए। पहली बात तो अभिसमय को पूर्ण रूप से पूरा अध्ययन करना है, इंट्रोडक्शन हर चीज़ लिखना है, फिर उसके बाद ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में, मतलब ब्रिटिश की राजनीति या वहाँ की व्यवस्था की बात करें, तो फिर अभिसमय का क्या महत्व था, उसका क्या फ़र्क पड़ता था, उसके ना रहने से क्या होता, उसके होने से क्या फ़ायदे हुए, इत्यादि चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद है हमारा, विधि तथा अभिसमय में अंतर बताइए। तीसरा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों में स्थिति की विवेचना कीजिए। ये हमारा यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, या हम कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति आप पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है, अमेरिका के संविधान नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है, इसकी विवेचना कीजिए।
मतलब आपको प्रूफ करना है एक तरीके से कि अमेरिका का संविधान नियंत्रण व संतुलन पर आधारित है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो चीन का राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस के अस्थाई समिति की भूमिका गठन तथा शक्तियों की विवेचना की, जिसमें देखिए तीन पॉइंट है, जो है कि स्थायी समिति थी उसकी भूमिका क्या थी चीन में, गठन कैसे हुआ उसका, तथा उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ थी, इनका विस्तृत विवेचना कीजना है। यहाँ पर तीनों पॉइंटों को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है चीन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारा, चीन के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का परीक्षण कीजिए। चीन के सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कब, कहाँ और कैसे हुआ, तथा इसको क्या क्या शक्तियाँ थी, क्या क्या इसको अथॉरिटीज थी, इसकी आपको विस्तृत व्याख्या करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ हमारा स्टार्ट होता है और इसमें है भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं की भूमिका की विवेचना कीजिए, क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, क्योंकि इस साल कानून संशोधन संविधान में बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस कारण सभी ने देखा 370 घटना और बहुत सारी चीज़ें हुई, तीन तलाक का मुद्दा, तो इन सब चीज़ों को आपको इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है, विवेचना कीजिए। ये थोड़ा निबंधात्मक प्रश्न है, इसको थोड़ा बड़ा लिखिएगा 5-6 पेजों तक। और यूनिट फिफ्थ का जो हमारा क्वेश्चन है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन शक्तियों का कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बता दी हैं। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए कि, उसके बाद थर्ड नंबर है भारत के मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी क्या शक्तियां हैं तथा उनके क्या कार्य हैं, इसकी व्याख्या करना है आपको मिश्र रूप से। बाकी आप सभी को सौरभ मिश्रा का नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे हों, और आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमें किसी न किसी माध्यम से पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।